नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको UGC NET मास कम्युनिकेशन की स्टडी करनी है ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो सके। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि अगर इस तरीके से आप पढ़ाई करोगे तो आपका जो नेट है वो क्लियर ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि किस तरह से हमें स्टडी करनी है। दोस्तों, आपको क्या करना है कि आज तक जितने भी क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं, यानी कि 2012 के बाद जो क्वेश्चन पेपर है उनको आप लीजिए, ठीक है, और उनको टॉपिक वाइज अलग कीजिए क्वेश्चन को, ठीक है। आप देख सकते हैं जैसे डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के 2012 में जो जो क्वेश्चन आए हैं वो मैंने अलग कर रखे हैं। उसके बाद में PR एंड एडवर्टाइजिंग से जो आए हैं वो मैंने अलग कर रखे हैं। उसके बाद में रिसर्च के जो आए हैं वो अलग कर रखे हैं, ठीक है। इससे होगा क्या दोस्तों, आपको ये पता चल जाएगा कि रिसर्च के अंदर कौन से टॉपिक बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिए दोस्तों, यहीं पे आपको मैं बता देता हूँ, आप देख सकते हैं रिसर्च है और ये है 2012, ठीक है। इन्होंने लिंकर्ड स्केल के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है, और आपको अच्छे से पता है कि 2017 के अंदर लिंकर्ड स्केल के बारे में पूछा हुआ था, ठीक है। वो देखिए मैं आपको अभी दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए और आपको विश्वास हो जाए, क्योंकि दोस्तों ऐसा करने से होता क्या है कि हमारा जो पता चल जाता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कैसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अभी ये देखिए दोस्तों, ये है नवंबर 2017 का थर्ड क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। इसके अंदर से देखिए, रिसर्च के अंदर क्वेश्चन नंबर 40 है, द्विध्रुवीय उद्देश्य का प्रयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है। ये देखिए लाइकर्ट मान, यानी कि लिंकर्ट स्केल है, उसके बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हमें पता चलता है कि किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और भी मैं आपको काफ़ी क्वेश्चन दिखाऊंगा। अब देखिए दोस्तों, ये रहा ये क्वेश्चन मॉडल्स के अंदर भी 2017 के अंदर आया था। यहाँ पे देखिए, लिमिटेड इफेक्ट मॉडल निम्न में से किस मॉडल का प्रतिलोम था, यानी कि कौन से मॉडल का उल्टा था, ठीक है। इन्होंने इसके बारे में ये पूछ लिया, लेकिन 2017 के अंदर इन्होंने क्या पूछा हुआ था कि लिमिटेड इफेक्ट मॉडल किसने दिया था, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से पूछा जाता है। और ये देखिए, और ये है विकासात्मक मॉडलों की कालक्रम, और ये दोस्तों ये हमेशा पूछे जाते हैं कि कई मॉडल दे देंगे, उन्हें आगे पीछे लगाना होता है, तो इसके बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से हमें पता चलता है दोस्तों। और ये देखिए, अब ये क्वेश्चन रहा, सैनन एंड वीवर मॉडल है लीनियर। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि कौन सा क्वेश्चन बार बार उठ रहा है, कौन से टॉपिक से। सैनन एंड वीवर से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं। तो आप जब ये क्वेश्चन पेपर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक से बार बार क्वेश्चन उठ रहे हैं, ठीक है। और ये मैं आपको और भी दिखाता हूँ जो क्वेश्चन बार बार आए हैं। और अब ये देखिए दोस्तों, इन्होंने ये कालक्रम पूछा हुआ कि कौन सा पहले आता है फिर कौन सा आता है। ये नवंबर 2017 में भी पूछा गया है अभी, ठीक है, और ये 2012 में भी पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन है दोस्तों, वो बार बार रिपीट होते हैं, तो हमें उनके टॉपिक का पता चल जाता है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। और ऐसे तो दोस्तों कुछ भी पढ़ते रहो ऐसे हम सक्सेस नहीं हो सकते, उसका एक हमें क्राइटेरिया पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये रहा ऑर्गेनिक मॉडल, इसके बारे में भी काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और मैं आपको और भी दिखा रहा हूँ जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं उनके बारे में। तो ये सब आपको कब पता चलेगा, जब आप क्वेश्चन पेपर करोगे, टॉपिक वाइज करोगे कहाँ से क्वेश्चन उठ रहे हैं। और अब ये देखिए दोस्तों, ये रहा सार्वजनिक व्यवस्था के रूप में अनुच्छेद 19(1)(a), यानी कि 19(1) का जो आर्टिकल है उसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए नवंबर 2017 में भी आया था इसके बारे में क्वेश्चन, और दिसंबर 2012 में भी इसके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों आप हर ईयर के बनाइए। ये देखिए मैंने 2013 का बना रखा है, 12 का मैंने आपको दिखाई दिया, ठीक है, और मैं आपको दिखा रहा हूँ
ये देखिए 2014 का बना रखा है मैंने, और ये देखिए ये मैंने लिखा हुआ है लेवल सी इन सैनन एंड वीवर। इसके बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन आए, 3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं सैनन एंड वीवर से। और अगला मैं दिखाता हूँ, ये देखिए 2015 का मैंने बना रखा है, और इसके अंदर सारे को पेपर है दोस्तों, पेपर सेकंड भी है और थर्ड भी है इनके अंदर। और अगला देख सकते हैं, ये 2016 का मैंने बनाया हुआ है। और इस तरह से आप करोगे ना दोस्तों, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता। जो चीज़ आपको नहीं आती है उसके बारे में आप नोट वहीं पर बना सकते हैं या फिर कॉपी में भी बना सकते हैं, जैसे मैंने ये यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है। और लेटेस्ट का ये नवंबर 2017 का बनाया हुआ, ये जनवरी का है और इसी के अंदर नवंबर का, यानी कि पूरा कंप्लीट इसके अंदर है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन पेपर को उठाइए और उनके टॉपिक वाइज बनाइए। आप पीडीएफ भी बना सकते हैं और कैसे भी कर सकते हैं दोस्तों। ये जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उनकी पीडीएफ मेरे पास है ऑलरेडी, और अगर आप चाहो तो इन्हें प्रिंट करके आप पढ़ सकते हो दोस्तों। अगर किसी को भी ये प्रिंटेड लेने हैं, ये पेपर लेने हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको इन पेपर्स की पीडीएफ फाइल लेनी है तो आप मुझसे ले सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आप मुझसे मैसेंजर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ मैसेंजर पे जो मेरी आईडी है वो है दोस्तों रोहतास निम्मी के नाम से है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आप मैसेंजर से, फेसबुक से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ फाइल दे दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों हमारा एक ग्रुप भी है, तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं। जब आप मैसेंजर पे मेरे से कांटेक्ट करोगे तो मैं आपको इस ग्रुप में जोड़ दूँगा, और मैं इसका लिंक भी आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से भी आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें देखिए दोस्तों मैं काफ़ी तरह की इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूँ मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड, तो ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। और दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूँ पहले ही कि जो ये पीडीएफ है इसकी कुछ कॉस्ट हो सकती है दोस्तों, क्योंकि ये मैंने काफ़ी मेहनत करके बनाई है, तो काफ़ी समय भी मेरा खर्च हुआ है इसके ऊपर। तो दोस्तों अगर आपको लेनी हो तो आप मुझे, और दोस्तों आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।